एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है बरवाला से, जहां पर पता चला है कि पंजाब के लोग हरियाणा में लिंग परीक्षण करवाने के लिए पहुंच रहे थे। इस खबर से पता चला कि किस तरह से बरवाला में अब भी कुछ लोग बेखौफ होकर गर्भ में पल रहे बच्चों का लिंग परीक्षण कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पंजाब की एक महिला ने पंजाब के डिप्टी डायरेक्टर मुकेश और रमेश दत्त को शिकायत दी थी। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी मंगलवार को बरवाला पहुंचे। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाया गया। शिकायतकर्ता महिला को लिंग जांच करने के लिए बरवाला के सुशील नाम के व्यक्ति के पास भेजा गया, जिसके बाद सुशील नाम का ये व्यक्ति महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करने के लिए उसे एक प्राइवेट अस्पताल में लेकर गया। लेकिन अस्पताल में उसे कुछ शक हो गया, जिसके बाद वो महिला को अपनी बाइक पर बैठा कर पास लगते जेबरा गाँव के पास ले गया। वहीं लिंग परीक्षण करने वाली मशीन भी उन्हीं के साथ थी। जब महिला ने आरोपी को पैसे दिए, उसी वक्त अधिकारियों ने छापा मार कर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अज सानू जिवें इनफॉर्मेशन सी कि इत्थे जनता हॉस्पिटल का जो मालिक है डॉक्टर अनंत कुमार, अपने हॉस्पिटल दे विच लिंग निर्धारण जिहड़ा टेस्ट वगैरह करता है, इस सारी घटना के बारे असीं एस एच ओ साहब नूं भी जाणू करवाया है। एवें जिवें असीं फर्जी ग्राहक बना के उत्थे भेजिया, तो सानू पता लग्या भी ये जिहड़ा हॉस्पिटल च टेस्ट नहीं करता, ये टेस्ट एक मोबाइल उहदे जरिए नाल मशीन के जरिए नाल आले दुआले जाके पिंडां दे विच जां डाणियां च लोकां दे घरां दे विच जाके टेस्ट करता है। असीं इहनां नूं पुलिस नूं नाल लेके उहनां नूं रोकिया, तो उहदे कोलों मशीन वगैरह भी बरामद हुई है। पुलिस नूं आंदा देख के जिहड़ा मेन कल्पनिक सी इहदे विचों सुशील कुमार उह मौके तों नट गया, तो उहनां दे विचों फिर मुड़ के पुलिस ने बड़ी उहनूं देखदे हुए गंभीरता नाल लैंदे हुए सुशील कुमार नूं भी जिहड़ा हैगा जी उत्थों गिरफ़्तार कीता। लगभग 15,000 रुपये इत्थों जिहड़े दित्ती हुई नोट करंसी सी पूरी टीम वल्लों वो भी उत्थों रिकवर होए हुए है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों से पूछताछ के बाद बरवाला में इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जा सकेगा। आरोपी जो चार मौके पकड़े गए, तीन मौके पकड़े गए, एक ममता और सुशील और एक लड़का हो रही है, और तीनों को मौके पकड़ा गया, इनके पास से पैसे बरामद हो गए, और ये सारा जो इस तरह के इक्विपमेंट है जो इलीगल जो पीएनडीटी का जो है ये पकड़े गए हैं। इसके बाद इसमें आगे जो भूमिका जिस की आगे आती जाएगी, तफ्तीश लंबी तफ्तीश है, इसमें बड़ा विस्तृत एविडेंस भी चलेगी, जिसमें जैसे कि आरोपी के खिलाफ इसमें सबूत हो जाता है, उनकी गिरफ्तारी आगे होती जाएगी और तफ्तीश पारदर्शी तरीके से की जाएगी, जिसमें किसी प्रकार को मिलाई गई। सत्य खबर के लिए बरवाला से संजय गिरधर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।